हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे एसी लाइन फॉल्ट डिटेक्टर के बारे में। ये एमएक्स कंपनी का एमएक्स एसी लाइन फॉल्ट डिटेक्टर है जिसके द्वारा आप अपने रूम की, ऑफिस की या घर की कहीं भी की लाइन को चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई फॉल्ट है या नहीं है। और ये बहुत पोर्टेबल डिवाइस है जिसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस लाइन डिटेक्टर की मदद से आप अर्थ फॉल्ट को, न्यूट्रल फॉल्ट को या लाइन और न्यूट्रल के रिवर्स होने पे ये आपको, या लाइव फॉल्ट होने पे आपको ये अपना डिटेक्ट करके बता देगा। फ्रेंड्स, इसमें तीन एलईडी लगी हुई है और इस एलईडी तीन एलईडी लगी हुई है। ये हो गई पहली एलईडी, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी एलईडी हो गई। फ्रेंड्स, जो जिसमें से कोई भी एलईडी जलेगी, पहली जलती है तो जैसे इसमें मैं बता, फ्रेंड्स इसमें पहली एलईडी ये लगी हुई है, दूसरी यहाँ पे लगी हुई है, तीसरी एलईडी लगी हुई यहाँ पे लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ सिंगल कोई एलईडी जलती है या इसमें कोई दो डबल एलईडी जलती हैं या तीनों एलईडी जलती हैं तो उससे आपको लाइन का फॉल्ट पता चल जाएगा कि इसमें क्या फॉल्ट है। फ्रेंड्स, अगर ये पहली और तीसरी एलईडी जल रही है तो इसका मतलब है ऑल ओके, ये मतलब आपकी लाइन सही है। अगर इसमें सिर्फ पहली एलईडी जलती है तो इसका मतलब है कि अर्थ फॉल्ट है। और यदि इसमें तीसरी एलईडी जल रही है तो इसका मतलब है कि इसमें न्यूट्रल का फॉल्ट है। और अगर पहली और दूसरी एलईडी जल रही है तो इसका मतलब है कि लाइन और न्यूट्रल दोनों रिवर्स हैं, यानी कि दोनों उल्टे तार लगे हुए हैं लाइन का और न्यूट्रल का, जिनको। और अगर कोई भी एलईडी नहीं जल रही है इसका मतलब है कि लाइव फॉल्ट है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपनी लाइन में होने वाले फॉल्ट को पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक बार और बता देता हूं, अगर इसमें पहली और तीसरी एलईडी जल रही है इसका मतलब है कि ऑल ओके, आपकी लाइन रूम की लाइट जो लाइन है वो सही है। अगर सिर्फ पहली एलईडी जलती है इसका मतलब है अर्थ फॉल्ट है। अगर सिर्फ तीसरी एलईडी जलती है इसका मतलब है न्यूट्रल फॉल्ट है। और यदि पहली और दूसरी एलईडी जलती है इसका मतलब है लाइन और न्यूट्रल दोनों रिवर्स है, इसको मतलब अपोजिट कनेक्शन है। इसको आप अंदर के कनेक्शन खोल के आपको इसको चेंज कर सकते हैं, लाइन की जगह न्यूट्रल लगा देंगे, न्यूट्रल की जगह लाइन लगा देंगे। अगर कोई भी एलईडी नहीं जलती है तो इसका मतलब है कि लाइव फॉल्ट है। इस तरह से फ्रेंड आप इसमें अपने रूम में या घर की सप्लाई में, ऑफिस की सप्लाई में कहीं भी कोई फॉल्ट होने पर ये आपको डिटेक्ट करके बता देगा। फ्रेंड्स, मैं इसको भी चेक करके दिखा रहा हूँ, ये मेरा सप्लाई बोर्ड है, इसमें देखते हैं कौन सा फॉल्ट है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसको मैं निकाल लेता हूँ इस डिवाइस को। ये डिवाइस देखिए, ये डिवाइस है, इसका बाइंग लिंक और इसका बाकी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं बाइंग लिंक से। तो फ्रेंड्स, मैं इसको लगाता हूँ अपने इस पावर बोर्ड में, एक्सटेंशन बोर्ड में लगा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये लगा दिया और ये मैंने सप्लाई ऑन कर दिया। फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें सिर्फ पहली एलईडी जल रही है तो इसका मतलब है अर्थ फॉल्ट है, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स देखिए हमने दो ही तार लगाया है, फेज और न्यूट्रल का लगाया है, दो ही तार लगाया है, इसमें अर्थ का वायर नहीं है, इसलिए ये एक नंबर एलईडी जल रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया इसकी कौन सी एलईडी जलने पर कौन सा फॉल्ट होता है, मैं इसमें आपको लिखा भी मिल जाएगा, जब आप इसको परचेज करेंगे तो इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। और मैंने आपको बता भी दिया, जैसे इसमें पहली एलईडी जल रही है इसका मतलब है कि इसमें अर्थ फॉल्ट है, इसमें फेज और न्यूट्रल के दो ही वायर लगे हैं, अर्थ का वायर नहीं लगा, इसीलिए ये अर्थ फॉल्ट दिखा रहा है। इसी तरह फ्रेंड्स, पहली दूसरी चलती है या पहली तीसरी चलती है या तीनों एलईडी जल रही है तो उसका जो फॉल्ट होगा आपके घर में, ऑफिस में या रूम की सप्लाई में, तो वो आपको पता चल जाएगा और आपको उस फॉल्ट को सही इलेक्ट्रिशियन से सही करा सकते हैं। ये बहुत ही सस्ती डिवाइस है फ्रेंड्स, ये 270 रुपीस की आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन परचेज कर लीजिएगा। मैं बाइंग लिंक इसमें दे दूंगा जहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो।